सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब ब्रह्मास्त्र की अग्नि से भयंकर प्रकाश हुआ, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु यह क्या है? भगवान ने कहा, अश्वत्थामा ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है, उसको और कोई उपाय समझ में नहीं आया। पार्थ, एक काम करो, तुम्हारे गुरुदेव ने कृपा करके तुम्हें ब्रह्मास्त्र चलाना भी सिखाया है और ब्रह्मास्त्र वापिस करना भी सिखाया है। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता है पर लौटाना नहीं आता है। विचार करने की बात है कि जो शिक्षा गुरु ने अपने शिष्य को दी वो पुत्र को नहीं दी। द्रोणाचार्य के पुत्र हैं अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य के शिष्य हैं अर्जुन, तो जो शिष्य को शिक्षा दी वो पुत्र को नहीं दी, क्योंकि पहले शिक्षा पुत्र के मोह में नहीं दी जाती थी, अधिकारी को दी जाती थी, जो उसका उपयुक्त पात्र होता था। अर्जुन पात्र था, इसलिए द्रोणाचार्य जी ने उसको शस्त्र में इतना पारंगत कर दिया कि वो ब्रह्मास्त्र चलाना भी जानता था और वापिस करना भी जानता था। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र के द्वारा ब्रह्मास्त्र की अग्नि को शांत कर दिया, अश्वत्थामा को जाकर के पकड़ लिया, बांध करके रथ के पिछले हिस्से में डाल दिया और रथ दौड़ाया और द्रौपदी के पास पहुंचे। द्रौपदी ने जब अश्वत्थामा को इस स्थिति में देखा तो द्रौपदी की आंखों से आंसू बह चले और उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, इनको छोड़ दो। मुच्यताम मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, ब्राह्मण हैं, गुरु हैं, अहर निष्बंधनीय हैं, आपसे मेरी प्रार्थना है, इनको छोड़ दीजिए। इनको इस तरह से इनका अपमान करना, इस प्रकार से इनका तिरस्कार करना उचित नहीं है। भीम ने कहा, अगर इस दुष्ट को तुमने छोड़ दिया अर्जुन, तो मैं इसको मार दूंगा। इस दुष्ट ने सोते हुए 5 पुत्रों की मेरी हत्या की है, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। अब एक तरफ भीम और एक तरफ द्रौपदी, दोनों के बीच में निशम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुजा। भीम की और द्रौपदी की इस कलह को देख करके भगवान श्री कृष्ण उसी क्षण तत्क्षण चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय। निशम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुजा, चतुर्भुज रूप में श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वधारणा, जो ब्रह्म बंधु है उसको मारना नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। तो अर्जुन ने कहा, महाराज ये आतताई भी है और ब्रह्म बंधु, पतित ब्राह्मण को ब्रह्म बंधु कहते हैं।